मोबाइल जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बनकर रह गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक उपकरण हमेशा लाभदायक नहीं होते। इनके गलत इस्तेमाल से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है या आपकी जान भी जा सकती है। बड़वानी जिले में धनोरा के ग्राम रामगढ़ी में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मुखबधिर मुकेश पिता नरसिंह बारेला, उम्र 12 वर्ष, जो एक चाइना कंपनी का कीपैड मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहा था कि अचानक मोबाइल ब्लास्ट हो गया और वो बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि बालक मुकेश को सर में और आँख पर गंभीर चोट आई है। घायल बालक को ग्रामीणों की मदद से चाचरिया हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद बालक मुकेश को सेंधवा रेफर कर दिया गया। ठीकरी से सुरेंद्र सहले की रिपोर्ट। नाम क्या है? नाम सिंह आर्य। अच्छा, आप रामगढ़ी में क्या हो? रामगढ़ी में सरपंच हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई आज की? वो नसीरिया, वो नसीरिया पिता, वो ये पूजा का है ना, मुकेश बैटरी लगा रहा था। काय की बैटरी लगा रहा था? वो ये मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज कर रहा था? हाँ, मोबाइल चार्जिंग कर रहा था। मुकेश। उम्र कितनी होगी उसकी? उम्र 12 साल की। हाँ, मोबाइल चार्ज पे लगा रहा था। हाँ, फिर वो चार्जिंग फूटा। जैसे हम गांव वाले सोना, खलिए वाले सोना, तो दौड़ के गया तो वो मुंह में लगा था। वो मुंह में लगा था तो चमड़ी निकल गई थी सिर पे। हाँ, सिर में। सिर पे मोबाइल फटने के कारण सिर पे चोट लगी। और एक आग भी फूट गई। एक आग भी फूट गई। अच्छा, फिर क्या करा? वो गाड़ी करा हम चाची रहे, दवाखाने में लाया। दवाखाना में से अभी बोल रहा कि सेंधवा रेफर करो। रेफर करें? हाँ, रेफर। अभी स्थिति कैसी है उसकी? इसकी स्थिति गंभीर है। तो देखा आपने कि एक मोबाइल से कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। गर्मी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ऊपर से हम मोबाइल को चार्जिंग लगाकर बात करते रहते हैं। SW24 न्यूज़ आप सभी से निवेदन करता है कि आप मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, वरना थोड़ा सा प्यार महंगा पड़ सकता है।